बहुत मस्त। What's up YouTube, welcome back to another vlog, I'm Shravan, you are watching my YouTube channel SKM Backpacker। So guys, आज मैं जा रहा हूँ ओम टिक्की चाट जो कि बीटा वन के बीटा प्लाजा जो है उसके जस्ट सामने फ्रंटल एरिया में अपना शॉप लगाती है, तो उसके यहाँ से मैं इनवाइटेड हूँ और वहां पे मैं आज टेस्ट करूंगा ओम टिक्की चाट के जो टिक्की बनाते हैं वो, और दही भल्ले और गोलगप्पे वगैरह, तो वो सारा कुछ अभी टेस्ट करूंगा आज इस वीडियोज में और रिव्यू दूंगा आप लोगों को। और बहुत ही फेमस है ये शॉप पूरा बीटा वन में, देखते आखिर क्यों फेमस है ओम टिक्की चाट, तो चलिए मिलते हैं शॉप पे। यह है बीटा प्लाजा, बीटा वन का शॉपिंग मार्केट जहाँ पे आप अपने जरूरी की सामान ले सकते हैं, और यहीं पे एक फ्रंटल एरिया में ये ओम टिक्की चाट की दुकान कॉर्नर मिल जाएंगे लगी हुई। फाइनली मैं आ चुका हूँ शॉप पे और अभी चलते हैं शॉप पे, पूछते भैया से कैसा है सारा कुछ, यहाँ पे बताएंगे अभी भैया। सर अनिल रावत सर जो दुकान के ऑनर है, तो नमस्ते सर, कैसे हैं? फाइन थैंक यू। तो आज मैं वही रिव्यू वीडियोस के लिए आया था आपके शॉप पे, तो टेस्ट करेंगे और बताएंगे आप अपने शॉप के बारे में क्या सब चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को। आप सर हमारे पास 7 आइटम है यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो मेन जो हमारी जो है आइटम वो है टिक्की, आलू की टिक्की होती है जी, यही हमारा सबसे मेन आइटम है। इसके अलावा हम लच्छा टोकरी, राज कचौरी, भल्ले पापड़ी, दही भल्ला, गोलगप्पे, उसमें 3 तरह का पानी होता है, और भी और यही सही यही आइटम है होता टाइम भी, लेकिन हम अभी और भी एक्सपेंड करेंगे इसमें, तो जलेबी ऐड करेंगे, छोले भटूरे वगैरह भी ऐड करेंगे। टाइमिंग क्या होती है आपकी? टाइमिंग हमारी इवनिंग 4 बजे से और 9:30 बजे तक होती है। बीटा प्लाजा के मेन फ्रंट एरिया में आपकी शॉप पर 9:30 पे लास्ट ऑर्डर लेते हैं। ओके सर, और होम डिलीवरी वगैरह का कोई फंक्शन? अभी होम डिलीवरी नहीं करते हैं। हमने टाइप किया था स्विगी और जोमेटो से, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स आ गई क्योंकि वो रनर्स ले जाते हैं, उसमें वो कैसे ले जाते हैं उसमें शायद प्रॉब्लम थी, इसलिए सर ने भी स्टॉप किया। ओके सर, तो दोस्तों यहाँ पे ओम टिक्की चाट में जब आप आओगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाइजीन तरीका से हर चीज़ को मेंटेन करके और ध्यान में रख के बनाया जाता है। पूरा घी में आपको टिक्की बना के दिया जाता है, देसी घी, और साथ में हर कोई देखिएगा वहाँ पे जो भी स्टाफ्स है या मेंबर्स है वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, और कस्टमर्स नो डाउट आप वहाँ पर बहुत सारे लाइन लगे रहते हैं और अच्छे से बैठ के खाने का सारा चीज़ व्यवस्था है, और जितने भी सामान इनके स्टफ़ है वो सब ये लोग घर से तैयार करके लाते हैं बस वहाँ पे, ताकि कस्टमर को कम से कम टाइम लग सके। और एक चीज़ जब अमेजन है कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में सर्व करते हैं, जो कि आपको अपने देश की सरजमी को चूमने का मौका मिलेगा यार, तो नो डाउट अमेजिंग एक फीलिंग आने वाली है आप लोग को, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग अगर बीटा वन या फिर ग्रेटर नोएडा के आसपास में अगर आते हुए घूमने फिरने, तो ओम टिक्की चाट पे एक बार ज़रूर आप लोग जाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा, टेस्ट भी अमेजिंग है, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ऑथेंटिक प्राइस है, जेन्यून प्राइस है, जो कि रेस्टोरेंट से कहीं भी बहुत कम है, तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा वहाँ पे। और प्यारे प्यारे कस्टमर के रिव्यू भी मैंने लिया है वीडियो में, बने रहिए अंत तक वीडियो को देखिए, और बहुत ही अच्छा रिव्यू कस्टमर ने भी दिया है, अनुराग हमने भी ट्राई किया है, जो कि बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि यहाँ पे खाते भी हैं और साथ में अपने घर वालों के लिए भी पैक करा के ले जाते हैं,
तो यार चीज़ ही कुछ ऐसी है ना, जब एक बार ट्राई करोगे आप तो रियली एक बार ट्राई ज़रूर करिए आप लोग। गाइस फाइनली दही वाले मेरे लिए ब्रदर ने बना के दिया, टेस्ट कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है और बाकी कस्टमर का भी रिव्यू लेंगे। पहले इधर देखते हैं ट्राई करके। भाई साहब ऑसम, बहुत मस्त। मैंने जो बनवाया था स्पाइसी कम करके, तो स्वीट टेस्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। सो एक माता जी हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इनको टिक्की, ओम टिक्की चाट का। माता जी कैसे लग रहा है आपको टिक्की? भैया अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। बराबर आप यहाँ पे आते हैं? हाँ, मतलब अक्सर आते ही रहते हैं। अभी जो आप खा रही है क्या टिक्की? भल्ला है। टिक्की भल्ला? हाँ टिक्की नहीं, टिक्की बोल रहे। टिक्की है। ओके बाबू, हेलो। हेलो करो, हेलो हेलो। तो सर कैसा लग रहा है आपको टिक्की? एकदम मस्त है, एकदम करारी टिक्की है, मसाले एकदम सही है, मज़ा आ गया। होम टिक्की चाट बहुत ज़्यादा फेमस था यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था यार ब्लॉग बनाऊँ, मैं ब्लॉग बनाया था आज, तो वही आप लोगों से रिव्यू लेना चाहता था कि क्या ऐसा मतलब होम टिक्की चाट में स्पेशल है, तो कस्टमर से पता चले कि आखिर क्या दीवाने होते हैं आप इस सब चीज़ों पर, टिक्की वगैरह में, यहाँ होम टिक्की चाट में। या ये टिक्की खाने के लिए मैं सेक्टर 45 से ड्राइव करके आया हूँ। ओके, और भी कुछ ट्राई करते हो साथ में टिक्की के साथ? यहाँ पे जैसे कि ओनर ने बताया कि 7 वैरायटीज यहाँ पे सर्वाइव सर्व करते हैं, तो अभी तो ये ट्राई किया यार, और जब ट्राई करूँगा तो बताऊँगा। ओके, तो ये एक भाई साहब है जो अपने घर के लिए हो ले जा रहे हैं पैक करा के। क्या सब पैक करा के ले जा रहे हो सर? टिक्की और दही भल्ले। तो कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? यहाँ का मतलब वैसे तो बहुत अच्छा टेस्ट है, बट यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि कंसेप्ट अलग है। वैसे लोग नॉर्मली दो दो टिक्कियाँ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट भैया ने अलग करा हुआ है, एक बड़ी टिक्की देते हैं, इससे वैसे नॉर्मली पेट भर जाता है। और यहाँ की जो फैसिलिटी वगैरह मिलती है आपको, ये सब के बारे में क्या बताओगे? यहाँ पर मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत जल्दी हाइजीन मेंटेन करती है, सबसे अच्छा चीज़ मैंने ये देखा है, हाइजीन बहुत अच्छा है। लोग सभी मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स लगाए रखे हैं, कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये स्टॉल ओम टिक्की स्टॉल जो है वो दिन के शाम के समय 3 बजे से स्टार्टिंग होती है और रात के 9:30 बजे तक चलती है। जिस तरह म्यान शाम होते होते बहुत सारे कस्टमर्स लाइन में लग के इस टिक्की का आनंद लेने के लिए आते हैं, तो आप लोग भी अगर B1 ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास एरिया से हो, या फिर अगर आप कभी आते हो घूमने, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना यार, बहुत ही लजीज बनाते हैं, जो बात है भाई साहब, एक बार खाओगे ना यार कसम से फ़ैन हो जाओगे। और ये सारे जो ऑथेंटिक प्राइस है यार, 100 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया समथिंग, इतना 30 रुपया, दही पूड़ी 70 रुपया, टिक्की 80 रुपये, मतलब कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, इतने प्राइस में आप एक बढ़िया मस्त चाट का आनंद ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल टिक्की, और बहुत अच्छा लगा आपका टिक्की खा के, और बहुत ही अच्छा आप लोग का कस्टमर ने रिव्यू दिया है, तो आई होप कस्टमर को ये वीडियोस पसंद आएंगे और इससे आपके कस्टमर चाहे से इंक्रीज होंगे। आई होप कि आपके कस्टमर इस एरिया में देखेंगे तो आएंगे आपके शॉप पे और ट्राई करेंगे, तो मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और रियली यार बहुत ही मस्त, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, एक अलग ही टेस्ट था इन चीज़ों का। तो आप लोग भी अगर ग्रेटर नोएडा, B1, α1, नियर जगत फॉर्म, इसके अराउंड कहीं रहते हो तो एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही मस्त टेस्ट बनाता है, और इसी बहाने आपको अपनी देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो लोग सर करते हैं ना एक बहुत ही अच्छा अपनी मिट्टी, जो सर जमीन है उस मिट्टी से बना हुआ प्लेट्स वगैरह, कटोरा बाउल वगैरह में उसमें देते हैं, तो आपको अपनी कंट्री की मिट्टी को चूमने का मौका मिलेगा इसी बहाने। और जगह तो प्लेट्स वगैरह या थर्मोकोल समथिंग लाइक दैट उसमें देते हैं, बट ये मिट्टी का देते हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लगी,
और वहाँ के कस्टमर के प्यारे प्यारे रिव्यूज थे जो आप लोगों ने देखा। और बारिश होने लगी थी, मैं जल्दी वहाँ से आ गया था और मैं ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं करा था क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट फुल हो चुका था। तो पाके आपने देखा ही, रिव्यूज कितने मस्त लग रहे, देखने में इतने सुंदर थे वो, और खाने में भाई साहब लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। तो आई होप ये वीडियोज के थ्रू आप लोग जरूर एक बार ट्राई करने वहां जाएंगे, और अपने दोस्त यार अपने फैमिली के साथ जा सकते हो, अपने फैमिली के लिए पैक करवा सकते हो। तो प्लीज एक बार जाइए उनके शॉप पे, आप भी टेस्ट करिए, आनंद लीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए, अपने दोस्त यार फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 10 त्रिदानिया, टेक केयर।